गोदी यूट्यूबर्स का एक गोदी यूट्यूबर्स जो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया कौन है ये गोदी मीडिया? क्या वो जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर यूट्यूब पर पसीना बहाया, या वो जिसने हाल के महाराष्ट्र चुनाव में कैंपेन के नाम पर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन को फायदा हो? महाराष्ट्र चुनाव परिणाम आए हुए एक हफ्ता बीत गया, लेकिन जिसे एक मुद्दे पर कहीं चर्चा नहीं दिखी वो है यूट्यूबर्स गैंग द्वारा सोशल मीडिया से चुनाव प्रभावित करने के प्रयास। इसमें सबसे प्रमुख नाम है ध्रुव राठी का, और आज हम इस पर बात करेंगे। यूट्यूबर ध्रुव राठी की जर्नी कैसे आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर शुरू हुई, और धीरे धीरे YouTube पर कैसे वे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाते रहे हैं, ये अब सभी लोग जान ही चुके हैं। यही काम ध्रुव राठी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी किया। ध्रुव राठी ने मिशन स्वराज्य नाम से वीडियो शुरू किया और इसमें बताया कि कैसे हर पार्टी को सरकार चलानी चाहिए। बड़े बड़े सपने दिखाए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, कुल मिलाकर वही सारी बातें जो राजनीति में हर नेता करता है। इस वीडियो को देखकर इस मिशन स्वराज को पूरा करने का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा, और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। अब ध्रुव राठी नेता तो नहीं है, लेकिन अपने नेताओं के लिए तो काम करते हैं ही, इसीलिए उन्होंने एक चैलेंज भी दे डाला कि जो भी पार्टी उनके सुझावों पर काम करने का वादा करेगी वे उसे प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अब जैसे ही उनका वीडियो आया तो कई नेताओं ने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन आप इसे संयोग ही कहेंगे कि ये चैलेंज स्वीकार करने वालों की लिस्ट में सभी नेता महाविकास अघाड़ी के थे। और दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि बड़ी लंबी लिस्ट है इन पॉलिटिकल पार्टीज की और नेताओं की जिन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इसी पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे, कांग्रेस नेता और तेओसा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक यशोमती ठाकुर, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार जो करजत जामखेड़ से विधायक है, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट से विधायक हैं, इन्होंने तो पूरा वीडियो भी बनाया रिप्लाई में, शरद पवार की एनसीपी के नेता डॉक्टर अमोल कोले जो शिरूर लोकसभा से सांसद हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता ओम प्रकाश बाबा राव कड्डू जो अचलपुर सीट से विधायक हैं, और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी ये ट्वीट किया। दरअसल ये संयोग नहीं प्रयोग था। जर्मनी में बैठे राठी को भारत से उनके मालिकों ने निर्देश दिए कि आप पहले एक ऐसा वीडियो तैयार कीजिए जिससे जनता में विश्वास की उम्मीद पैदा हो और हम उन मुद्दों को स्वीकार करके इस मिशन में शामिल होंगे, उसके बाद आप हमारा प्रमोशन कीजिए। प्लानिंग दो चीजों की थी, पहला दर्शकों में ध्रुव राठी बायस नहीं दिखेंगे, और दूसरा अघाड़ी के नेता ऐसे दिखेंगे जैसे जनता के कल्याण के प्रति बहुत गंभीर है। प्लान के अनुसार वीडियो भी बनाया गया। 3 मिनट पर राठी कहते हैं, राजनीतिक सियासी सर्कस का असर ये हुआ है कि जनता के जरूरी मुद्दे गए भाड़ में। अरे भाई, महाराष्ट्र की जमीन से जुड़े होते तो समझते कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने महिला कल्याण और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। क्या सोयाबीन, कपास, प्याज की खेती किसानों का मुद्दा नहीं है, या फिर ध्रुव राठी किसानों को जनता नहीं समझते? हो ही सकता है कि जर्मनी में मियां खलीफा और रिहाना जैसे किसान खेती करते होंगे। खैर, आगे देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के लिए फ्री राशन योजना शुरू की, तो वीडियो में चुपके से ध्रुव राठी ने इस पर भी अपना एजेंडा डाल दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मोदी को वोट देने वाले भारत के गरीबों का ही अपमान करने लग गए। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इन्हें। असल में ध्रुव राठी ने जर्मनी में शानो शौकत वाली जिंदगी ही जी और कभी गरीबी तो देखी ही नहीं है, इसीलिए उन्हें भारत के गरीब से फर्क भी नहीं पड़ता। ध्रुव राठी डेटा फैक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन अपने इस वीडियो में भारत की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री को लेकर ऐसी बात कर रहे हैं जैसे ये इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद होने चली हो। सुनिए आप। ऑटोमोबाइल सेल्स और हाउसिंग सेल्स में तो कमी दिख ही रही है, लेकिन हर रोज के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बिक्री भी इस स्लोडाउन से बच नहीं पा रही है। चलो बात फिर डेटा पर ही हो जाए। अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेल आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5.13 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी हर रोज 16,550 कारें बिकी। इससे पहले इस साल जनवरी में रिकॉर्ड 3.99 लाख कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। मौजूदा वित्त वर्ष में हर महीने एवरेज 3.33 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो बीते साल से 5% ज्यादा है। मिशन स्वराज्य के नाम पर ध्रुव राठी अपनी वीडियो में चुपके से अपने पसंदीदा नेताओं को ऐसे ठेला कि जैसे मानो कोई नोटिस ही नहीं कर पाएगा। इतनी इलेक्शन रैलीज में आपने इन मुद्दों का जिक्र होते हुए सुना है,
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सही काम दिया है, और ये आइडिया पहली बार इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने 1969 में दिया था। अपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुछ पुराने भाषणों में इसका जिक्र सुना होगा। अब समझे आप कि कैसे जनता को 20 मिनट का वीडियो परोसकर इधर उधर की बातें घुमा फिराकर अंत में अपने नेताओं की तारीफ पर ही लोगों को कन्विंस करना होता है। वीडियो में राठी धारावी की बात कर गरीब अमीर में क्लास डिवाइड की बात कर रहे हैं, और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी धारावी। रेडिट पर एक यूजर ने फोटो डाली थी जो वायरल हो गई, एक तरफ ऊंची इमारतें और वहीं पर चौल। लेकिन अपने वीडियो में ये नहीं बता रहे हैं कि ये महायुति सरकार ही है जिसने इसके रीडेवलपमेंट का प्लान तैयार किया है। भाजपा चाहती है कि धारावी की गिनती सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में ना हो, बल्कि इसे सबसे अच्छी बस्ती के नाम से पहचाना जाए। यहाँ झोपड़ियों की जगह घर बनाए जाए और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन ये ध्रुव राठी के नेता राहुल गांधी ही हैं जो इसने भी अपना एजेंडा ले आए और चुनावी मुद्दा बनाकर इसका विरोध करने लगे। क्या ध्रुव राठी उनसे ये सवाल पूछते हुए वीडियो बना सकते हैं कि राहुल गांधी चाहते गरीबों को पक्के घर मिले? ये कल की तस्वीरें हैं जहां राहुल गांधी के भांजे संसद में एंट्री कर रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज ऐसी प्रतीत हो रही है जिससे उनका बचपन से ही इस पर अधिकार हो। क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि धारावी से भी कोई गरीब बच्चा निकलकर ऐसे संसद में घूम पाए? जैसे जैसे वीडियो खत्म हुआ, ध्रुव राठी ने अपनी आखिरी चाल चली और सभी पार्टियों के नाम पर बात करते हुए सीधे महायुति के घोषणा पत्र पर सवाल उठा दिए। लेकिन पूरी वीडियो में आपको स्क्रीन पर कहीं भी कांग्रेस शरद पवार उद्धव ठाकरे की पार्टी के घोषणा पत्रों पर कुछ नहीं मिलेगा। एक हंसी की बात सुनिए। फसल जब उग जाए तो उसे बेचने के लिए लोकल मंडी बनवा दीजिए जहां वो सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट हो सके। जी हाँ, ध्रुव राठी चाहते हैं कि ऐसा समाज हो जहां किसान डायरेक्ट मंडी में जाकर अपना सामान बेच पाए। जल्दबाजी में राठी भूल गए कि पीएम मोदी द्वारा लाए गए कृषि कानूनों में भी तो यही था। लेकिन तब आपके ही इकोसिस्टम ने इन कानूनों को किसान विरोधी बताया। वीडियो के अंत में ध्रुव राठी अपने सब्सक्राइबर्स प्रदर्शन कर कहते हैं कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और जनता कौन है? हम लोग है जनता। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग, अगर हम ठान ले कि इन मुद्दों के नाम पर हम इन पार्टीज को वोट करेंगे तो इन्हें हमारी सुननी पड़ेगी। ये सुनकर एजाज खान की याद आ गई, जिसके इंस्टाग्राम पर 55 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब वर्सोवा में चुनाव लड़ा तो उसे मिले सिर्फ 155 वोट। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि एजाज खान को मात्र 76 वोट मिले थे। हालांकि मात्र 76 वोट मिलने वाली अफवाह झूठी साबित हुई। तो ध्रुव राठी का भी यही हाल है। ये तो उन्हें हाल के लोकसभा चुनाव में भी समझ आ ही गया होगा जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर झूठ परोसा वीडियो की सीरीज शुरू की। सोशल मीडिया पर फैले ध्रुव राठी वही दुग्गल साहब हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में बात होती है। वे इकोनॉमी से लेकर कोरोना और राजनीति से लेकर कूटनीति तक पर न केवल अपने विचार रखते हैं, बल्कि ये भी चाहते हैं कि दुनिया उन विचारों का पालन करे। पर दोस्तों, समय आ गया है कि YouTube के नाम पर एक विशेष पार्टी का एजेंडा परोस रहे ध्रुव राठी जैसे दरबारियों से कठोर सवाल पूछे जाएं।